थी हॉलैंड में जो गुस्ताखाना खाकों का मामला है उस हवाले से बात करनी थी कि मुसलसल तकरीबन एक से डेढ़ माह का अरसा हो गया है गुस्ताखाना खाकों के हवाले से कोई मस्बत पेशरफ नहीं हुई और कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान की कौम सरापा एहतजाज है। कल भी तारीखी मुजाहरा हुआ, इसी हवाले से हमारे साथ अभी लाइन पर मौजूद है मोहतरम बिलाल खान साहब, वो मुजाहरे में मौजूद थे और शरीक थे, उस हवाले से उनसे मालूम लेंगे। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। बिलाल साहब, गुस्ताखाना खाकों के हवाले से आप शुरू से कैंपेन चला रहे हैं सोशल मीडिया पर, कल भी एक तारीखी मुजाहरा हुआ, उस हवाले से आप आगाह कीजिएगा कि क्या एहतजाजी मुजाहरे के जो करने वाले जो अरकान थे, जो मुजाहरे में लोग शरीक थे, वो कौन थे और उनके मुतालबात क्या थे और फिर पेशरफ क्या हुई, और ये कहा जा रहा है कि OIC ने इस पर इजलास भी बुला लिया है, तो आप इस हवाले से आगाह कीजिए कि क्या सूरत हाल कल हुई है एहतजाजी मुजाहरे में। आपको मालूम है कि ये जो ऐलान हुआ है ये जून में हुआ है, ये गुस्ताखाना खा के उसने शाये करने का ऐलान किया है हॉलैंड का जो अपोजिशन लीडर है गियर्ट विल्डर्स। उसके बाद सबसे पहला मरहला तो ये था कि सोशल मीडिया पे लोगों को बहुत ज्यादा मुखारिज किया गया, आपका हिस्सा रहा, आपके चैनल का कंट्रीब्यूशन रहा उसमें। उसके बाद दूसरा जो मरहला था वो ये था कि अवामी जो आगाही है उसमें सड़कों पर निकला जाए और लोगों को जो एहतजाज का हक दिया हुआ है पूरी दुनिया ने और कानून ने उसको इस्तेमाल किया जाए। इब्तदा में लोगों तक ये बात पहुंचता है बहुत मुश्किल इसलिए थी कि एक तो बीच में वो नवाज शरीफ साहब के जेल जाने का मामला आया, फिर फीफा वर्ल्ड कप, तो लोग उस तरफ इतनी तवज्जो थी कि ये असल जो हमारा मकसद था नमो श्री सारे जैसा एक अहम इशू इसको पसंद डाल दिया गया। लेकिन उस फीफा वर्ल्ड कप और उसके बाद फिर अवामी जो रहा नहीं थी उसमें सड़कों पर निकले, इब्तदाई तौर पर बहुत ही कम तादाद थी। इस्लामाबाद में जब हमने मुजाहरा किया तो उसमें हमने यही बात ली कि उस वक्त निकलने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो लीडिंग पार्टीज हैं उनको सड़कों पर लाया जाए, उनको बुलाया जाए कि वो आकर अपना किरदार अदा करें, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर है या पार्लियामेंट से बाहर है या मजहबी जमात है। तो वो मरहला था। दूसरा गुजशत जुमे का एक एहतजाज हुआ इस्लामाबाद में, इसमें फिर यही कॉल थी। कल का जो एहतजाज था उसको बेसिकली तो कॉल किया था पार्लियामेंट के जो यंग लीडर है शोविस के आलवी और इसी तरह NSO जो है की इनके मोहसिन खान अब्बासी ने कॉल दी थी जी। इसमें फिर यह हुआ कि इस जुम्मे को बतौर एहतजाज मनाने का तहरीक बैग ने भी ऐलान किया, LSN पर जमात अल जमे इस्लाम की तरफ से भी ऐलान हुआ जी। तो इस्लामाबाद की सड़कों में मैंने यूथ पावर पहली दफा देखी इतनी बड़ी तादाद और तकरीबन 7-10 हजार के करीब लोग थे। तो आप भारत से चले डच एम्बेसी की तरफ, तो पहले उन्हें रोका गया और सरीना के पास जाके वहां पर मुजाकरात के लिए उन्हें रोककर फोर्सेज वगैरह को उन्होंने चारों तरफ से लगा ली थी। इस्लामाबाद पुलिस मौजूद थी, फिर बाद में गालिबन रेंजर्स का वहां से गुजरे, वहां पर रोके। जो मुजाकरात खास कर किए गए वो इतने प्रेशर मुजाकरातल टीम बड़ी मेहनत समाज की कि ये जो अभी अवाम आगे निकली है ये जाएंगे तो क्या होगा। लोगों का बेसिकली मुतालबा ये था कि अभी तक तो इसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं आया, सेनेट के अंदर बात हो चुकी थी, सेनेटर मुश्ताक खान साहब ने बात की और ये बात जो है ना सिर्फ सेनेट के अंदर बल्कि मीडिया पर भी आई और पार्लियामेंट के अंदर भी इस बात पे जो है वो इतलात मौसूल थी। उसके बावजूद जिस कदर खामोशी हमारे फॉरन ऑफिस ने हमारे जो पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसकी तरफ से जो खामोशी थी उसके खिलाफ अब फिर आवाम ने गुज़श्ता जुमे को ऐलान किया कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर या कुछ दिनों में ये बंद नहीं किया गया तो हम आइंदा जुमे को आके बजोर बाजू जो है एडा चंपेसी को बंद करेंगे। तो कल के जुमे का एहतजाज उसी सूरत था, लेकिन फिर आपको मालूम है कि जो हमारे यहाँ अमन अमान की जो सूरत हाल होती है फिर खासकर इस तरह का जो हस्तात मौजू होता है इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हजार खिलाफ के बावजूद लोग जो है ना मुत्तफिक और इत्तेहाद होके मुत्तहिद होके निकलते हैं जी। जो मुजाकरात हुए उसमें क्योंकि मैं मुकम्मल कवरेज कर रहा था वहां पे, उसमें उन्होंने शर्त ये रखी कि मुजाकरात हम इसी सूरत करेंगे कि जब फॉरन ऑफिस का कोई जिम्मेदार होता। तो फॉरन ऑफिस सेक्रेटरी को भेजा गया सरीना में जी। और उसी तरह OIC के जो पाकिस्तान के जिम्मेदार हैं उनको भेजा गया। तो जो कमेटी यहाँ की मुजाकराती कमेटी की मुजाहरीन की तरफ से उनको तकरीबन 6 घंटे अंदर रखा गया, जिससे थोड़ा सा ये हुआ कि बाहर बेचैनी बढ़ गई और मुमकिन तौर पर यह अफवाह भी फैली कि जो लीडिंग वहाँ पे लोग थे
उनको मुजाकरात के बहाने बुला के गालिबन उनके ऊपर एफआईआर वगैरह का भी कोई इशू है और उसी बहाने शायद उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे जो है ना बाहर मजीद जो है ना इश्तेहाल बढ़ा, लेकिन 6 घंटे बाद जब वो बाहर आए तो उन्हें एक कॉपी थमा दी गई थी जिसमें पहला जो मुतालबा ये था कि खत लिखा जाए और फौरन से पहले डेस्क अंदर कॉपी जो आ को बंद किया जाए और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हैं उनको पाकिस्तान के अंदर बैन किया जाए। ये 3 जो है ना बुनियादी मुतालबा थे। उसमें से पहला जो मुतालबा तो उन्होंने मानने का जो है अंदिया दिया है, उसके अंदर ये कहा गया कि अभी जो डच एम्बेसडर को फौरन बाहर निकालने की बात हो रही तब तक, क्योंकि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने पोस्ट चेकिंग सेरेमनी नहीं हुई थी जी। वो उस वक्त आम बोर्ड नहीं थे में, इसलिए क्या आज के दिनों की जो है ना बहुत चेकिंग हुई, उन्होंने हेल्प लिया, उसके बाद जो है वो आम बोर्ड आएंगे। फिर उसके बाद जो है ना हफ्ता और इतवार की छुट्टी का कहा गया, मुझे नहीं मालूम कि सिफारती जो मामला था इसमें हफ्ता इतवार की छुट्टी का कोई कॉन्सेप्ट है या नहीं, क्योंकि हम देखते हैं अमरीका का फिर जो है ना हर 6 महीने बाद तुर्की निकाल देता है जी। तो फिर कोई दूसरा आ जाता है, सऊदी अरब से निकाल ले जाते हैं। तो ये बहरहाल एक उन्होंने रीजन बताइएगा जी, जैसे आपने कहा कि इमरान खान ने हलफ नहीं लिया था, आज उन्होंने हलफ लिया है तो उसके बाद ही कुछ मामला आगे बढ़ेंगे। पार्लियामेंट के अंदर भी तो कल एक कार्यदात पेश हुई है इसी हवाले से, तो आप क्या समझते हैं इमरान खान की हुकूमत कुछ कर लेगी? ये बताना यही इसी तरफ मैं आ रहा हूँ कि वोट चेकिंग जो है उसके उससे पहले कल का जो इजलास था जिसमें मुंतखब हुआ इमरान खान साहब, वहां पे कार्यदात जो है ना मुतफिक तौर पर मंजूर हो गई है। इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई रीजनिंग बाकी रह रही थी। जब पार्लियामेंट जो है ना वो इस वक्त कहते हैं कि यानी कि तमाम इंस्टीट्यूशन जो है उनकी माँ है, मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन, कानून वहां से बनते हैं, वहां से जो मुतालबा होता है इसका मतलब यह है कि पूरा मुल्क वो चाहता है। कोशिश की आपने देखा कि कैसे उसको जो है ना पाँव की नोक पे रख के आगे फेंक दिया डॉलर को जी। सर ये एटीट्यूड हमें होना चाहिए ना उसे रिसालत की माँ पे, सिर्फ इजलास से मेरे ख्याल में काम नहीं बनेगा। और ये यकीन दहानी तो उन्होंने करवाई है कि तमाम मुस्लिम ममालिक जो है उनसे भी और दूसरे भी जो ममालिक जो अमन पसंदी चाहते हैं उनको हम कहेंगे कि इंतजार फैलाए तो इनका बायकॉट किया जाए जी। लेकिन ये तो मुमकिन है ना कि पाकिस्तान के अंदर जितनी टच यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं उनको हम बैन करें और सरकारी तौर पर एहतजाजा में ऐलान हो कि जब तक वो शख्स उम्मत मुस्लिमों से माफी नहीं मांगता, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और वो जो उनकी पार्लियामेंट के जेर आया मुकाबला हो रहा है 10 नवंबर को जी। उससे वो पीछे नहीं होते और माफी नहीं मांगते तब तक ये बायकॉट जारी रहेगा। पूरी दुनिया में शायद ऐसा होता है किसी के अगर हाई कमीशन आप कुछ के साथ बदतमीजी होती है तो जो है ना पूरा सारा थाना वो बंद करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पे रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस का मामला है और उससे खामोशी है, बिल्कुल खामोशी पार्लियामेंट की। एक इसके बाद एक अलार्मिंग जो मैं आप बात शेयर कर रहा हूँ, आपको याद होगा कि नवंबर 2017 जी फैजाबाद पूरी दुनिया को याद होगा जी। वो कंडीशन अगर फिर दोबारा पाकिस्तान में पैदा हो जाए, तकरीबन 20-25 दिन हमारा दारुल हुकूमत ये जन महफूज हुआ था जी, हमारी हुकूमतों की गैर जिम्मेदारी की वजह से। बिल्कुल उस वक्त के जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर थे एहसन इकबाल साहब, उनके गैर जिम्मेदाराना बयान की वजह से वो बात मजीद आगे बढ़ी। इससे पहले कि फिर वही जो है खादिम हुसैन रिजवी साहब ने ऐलान किया कि अगर आप नहीं हटाएंगे तो अगली दफा हम जो कॉल देंगे हम बता के नहीं करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल तो मेरे ख्याल में एक अनु सूरत हाल है एक ऐसी पार्टी की जो बिल्कुल बिलाल बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, हुकूमत को भी इस पे तवज्जो देनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। गुस्ताखाना खाकों के हवाले से मोहम्मद बिलाल खान से हमें अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे कि कल पाकिस्तान के अंदर अवाम ने एहतजाजी मुजाहरा किया, 7 से 10 हजार के करीब मुजाहरीन शामिल थे मुजाहरे के अंदर, और उनका यही कहना था कि पाकिस्तान की अवाम चूंकि इस्लाम के हवाले से दुनिया के अंदर एक मुनफरद पहचान रखती है, तो पाकिस्तान की अवाम की तरफ से ये मुतालबा किया गया इमरान खान की नई हुकूमत से कि पाकिस्तान स्टैंड ले और हॉलैंड में होने वाले गुस्ताखाना खाकों का जो मामला है उसे रुकवाए और हॉलैंड के जो सफीर हैं उन्हें मुल्क बदर किया जाए, अगर वो मुतालबात नहीं मानते हैं तो उन्हें मुल्क बदर किया जाए, हॉलैंड से पाकिस्तान के ताल्लुक खत्म किए जाए, और यकीनन ये पाकिस्तान के जो बुनियाद है जो पाकिस्तान का बनने का मकसद है वो भी यही तकाजा करता है कि चूंकि पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद पर बना, जहां पाकिस्तान अपने मुल्क में मुसलमानों की इस्लाम की हिफाजत करने का जिम्मेदार है, वहीं पाकिस्तान की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि दुनिया में जहां कहीं इस्लाम पर कभी हमला हो या जहां कहीं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
وسلم کی ناموس پر حملہ ہو یا جہاں کہیں عالم اسلام پر حملہ ہو, عالم اسلامی برادری پر حملہ ہو, تو پاکستان اس میں اپنا ساتھ دے. اب حکومت کو یہ چاہیے کہ ان معاملات کو, ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معاملات ہیں, اس پہ باقاعدہ ایک ادارہ بنایا جائے, اور وہ ادارہ ایسا ہو جو پاکستان میں بھی فعال ہو اور دنیا بھر میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, اور مسلمان اور اسلام کے حوالے سے, شاعر اسلامی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں, اور حکومت پاکستان باقاعدہ اسے ذمہ داریاں بھی سونپیں اور اس کو باقاعدہ اختیارات بھی دے, اور خود حکومت پاکستان اس کی قیادت بھی کرے. اور یہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمارا عشق اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے, ناموس کی حرمت کے حوالے سے, ناموس کے تحفظ کے حوالے سے, جتنا ہم میں ہو سکے اپنے ملک میں, بیرونی دنیا میں, جہاں کہیں ہمارے اختیارات ہیں, ہم اپنا ساتھ دیں اور اپنا